सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो रहा है और बैजन वीगन स्टोरीज चैनल की पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले 9 दिन तक आपको व्रत से रिलेटेड वीगन रेसिपीज बताऊं मैं डेली। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वीगन स्मूदी, और ये स्मूदी जो आपको रहेगी आप सुबह सुबह बना के पी लीजिए, आपका 4-5 घंटे तक तो आपको भूख नहीं लगेगी और आपको ये एनर्जी भी देगी और हेल्दी भी रहेगी जो आपके लिए। तो आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। ये मैंने 2 मीडियम साइज के पके हुए केले ले लिए हैं, 1 कीवी फ्रूट ले लिया है और ये 1/2 ग्लास पानी ले लिया है और ये 4 डेट्स हैं, इनके मैंने बीज निकाल लिए हैं। डेट्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं स्मूदी में। और ये 5 से 6 बादाम हैं, इनको मैंने रात भर भिगो कर पानी में रखा हुआ था और पानी से निकाल लिया है। और ये 5 से 6 काजू ले लिए हैं। तो अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार ले लेंगे। जार में ये देखिए कीवी को मैंने इसका छिलका निकाल लिया है, इसको इस तरह से 4 पीस में कट करके जार में डाल दीजिए। केले को भी छील लेंगे, केले के छिलके निकाल दीजिए। इस तरह से पीस करके डाल देंगे। अब जार में हम ये डेट्स डाल देंगे, काजू डाल देंगे, बादाम डाल देंगे और ये पानी डाल देंगे। और अब इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो स्मूदी में अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि आप शुगर ना ऐड करें क्योंकि स्वीटनेस के लिए हमने इसमें डेट्स डाली हैं और जो फ्रूट्स भी डाले हैं उनमें भी नेचुरल स्वीटनेस रहती है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अब ये देखिए मैं 4 आइस क्यूब डाल रही हूँ उसमें, ये ऑप्शनल है। आपको स्मूदी ठंडी पीना पसंद है तो आप डाल लीजिए, अदरवाइज नहीं डालिए। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे फिर से। अब ये देखिए स्मूदी हमारी बनकर रेडी है। अब इसको हम एक स्मूदी जार में डाल देंगे। अगर आपके पास स्मूदी जार नहीं है तो आप जो भी ग्लास ले रहे हैं स्मूदी पीने के लिए उसमें डाल लीजिए। तो ये देखिए बढ़िया से हमारी हेल्दी और उपवास वाली स्मूदी बनकर तैयार है। तो आपका जब भी मन हो जल्दी से इसमें जो भी इंग्रेडिएंट मैंने बताए हैं डालिए, ग्राइंड कीजिए और निकालिए ग्लास में और पी जाइए। इस नवरात्रि के मौके पर आने वाले 9 दिनों तक मैं आपको वीगन और उपवास वाली नई नई रेसिपी बताने वाली हूँ। तो आप भी मेरा सहयोग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये रेसिपीज पहुँचाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जान पाएँ कि आप वीगन रेसिपीज को और हेल्दी और टेस्टी किस तरह से बना सकते हैं और उनको बनाना कितना आसान है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ बैजन वीगन स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो प्लीज़ बैजन वीगन स्टोरीज पेज को लाइक कीजिए। आप हमें Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू, बाय बाय, जय माता दी।